So now let's begin with profit variances. Profit variance आपका last branch है, but इसमें सब चीजें cover होती हैं. Let's see the display of this. डर मत जाना है, जब display देख के भाई, ओ भाई, डरना नहीं, ठीक है? So the topmost variance is called total profit variance, which is nothing but our actual profit minus budgeted profit. Actual profit minus budgeted profit. वापिस से आप profit में हो, यानी income side, तो आप हमेशा क्या चाहोगे? Actual should be higher than budgeted. इसलिए आपका actual पहले आ रहा है, standard बाद में आ रहा है. लेकिन profit fluctuate होने के तीन कारण. कितने कारण? तीन. पहला कारण selling price. दूसरा कारण वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो, और तीसरा कारण कॉस्ट. तीसरा कारण कॉस्ट. सो इसका जो पहला ब्रांच है दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस वेरिएंस. सर अभी भी जो पढ़ा था हमने सेलिंग प्राइस वेरिएंस, एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस वेरिएंस ही एक अकेला ऐसा वेरिएंस है जो सेल्स वेरिएंसेस में भी कॉमन है और सेलिंग प्राइस वेरिएंस प्रॉफिट वेरिएंस में भी कॉमन है. दोनों का आंसर भी सेम है बट उसका यूज दो जगह, एक सेल्स वेरिएंसेस में भी आता है और प्रॉफिट वेरिएंसेस में भी आता है. तो फॉर्मूला वही है जो अभी अभी हमने पढ़ी दो मिनट पहले. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. वेरी गुड. एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू ब्रैकेट एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. दूसरा कारण है आपका वॉल्यूम, बट यहां पर एक वर्ड आएगा कॉल्ड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस. क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप बेचते हो, जितनी क्वांटिटी आप बेचते हो उसके अंदर आपका क्या मार्जिन है वो इंपॉर्टेंस रखता है. क्या इंपॉर्टेंस रखता है? मार्जिन. मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. इसीलिए आपका यहां पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो ये आपका फॉर्मूला में थोड़ा चेंज किया. आपने देखा ना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ा था, ये कौन सा वेरिएंस है? सेल्स मार्जिन वॉल्यूम. तो मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, कि जितनी क्वांटिटी आप ज्यादा बेचोगे उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके आपको पता चलेगा व्हाट इज द. नाउ द थर्ड रीजन इज कॉस्ट, बट कॉस्ट को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. एक है हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस और एक कभी कभी रेयरली आपको देखने को मिलेगा कॉल्ड एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ठीक है, हर समय नहीं होगा, रेयरली देखने को मिलता है. नाउ कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमने पढ़ा है हाउ मेनी कॉस्ट आर देयर, कितने कितने कॉस्ट वेरिएंस पढ़े याद है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड. तो सबसे पहला वेरिएंस कौन सा आता था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस के दो ब्रांचेस थी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस की भी दो ब्रांचेस थी, कौन सी? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ये सबसे पहला बच्चा इस परिवार जो आपने पढ़ा. उसके बाद आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा. लेबर कॉस्ट वेरिएंस के भी दो पार्ट्स पढ़े, कौन से? लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर टाइम वेरिएंस. टाइम वेरिएंस के तीन पार्ट्स किए थे हम लोगों ने, याद है? पहला कौन सा? आइडल टाइम वेरिएंस. आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव. फिर उसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. उसके दो पार्ट्स किए थे, कौन कौन से? एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस. फिर हमने पढ़ा था कॉस्ट का सबसे बड़ा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस के कितने पार्ट्स? दो. कौन कौन से?
एक्सपेंडिचर वेरियंस एंड वॉल्यूम वेरियंस। वॉल्यूम वेरियंस कितने पार्ट्स? चार। कुछ याद आ रहा है बेटा? एक था हमारा आइडल टाइम वेरियंस, इसके बाद कैलेंडर वेरियंस, इसके बाद कैपेसिटी वेरियंस, इसके बाद इस वेरियंस एफिशिएंसी वेरियंस। अब ये जो प्रॉफिट वेरियंस है, वॉल्यूम वेरियंस, पता है इसके भी आपने पार्ट्स पढ़े हैं थ्योरी। वॉल्यूम के भी पार्ट्स होते हैं ना, सेल्स, मार्जिन, मिक्स वेरियंस, मार्जिन मिक्स एंड सेल्स मार्जिन सब क्वांटिटी वेरियंस। तो यहां पे वर्ड क्या है बार बार? मार्जिन। मार्जिन यानी क्या लेने का? प्रॉफिट। मार्जिन यानी क्या लेना है आपको? प्रॉफिट लेना। समझ में आ रही बस? तो ये आपका फैमिली ट्री तैयार हो, इसके अंदर आपने ये सारे वेरियंस पहले पढ़े, सेल्स वेरियंसेस आज देखे, प्रॉफिट वेरियंसेस जब आप देख रहे हो। ये जो एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका बहुत सिंपल है कि बजटेड ओवरहेड जो भी आपका होगा माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है? एक्सपेंडिचर वेरियंस बजटेड माइनस एक्चुअल, याद आ रहा है? यहाँ पे भी वही फॉर्मूला था, फिक्स ओवरहेड में बजटेड माइनस एक्चुअल, वैसे उसके अंदर भी वही बजटेड एडमिन सेलिंग कितना था और एक्चुअल कितना, वो दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा? एडमिन एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा ब्रांच नहीं है। अब ये जो सब हम लोग करेंगे पूरा समझे भी, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पर अजम्पशन क्या रहता है हमारा, दैट फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन में उसका कंसिडरेशन लिया जाता है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि सपोज कोई कंपनी ऐसा बोले कि वी डोंट फॉलो कन्वेंशनल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वी फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग और रेलिवेंट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। उसके तीन नाम, कौन से नाम है? मार्जिनल कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड, बिकॉज दे बिलीव दैट कि फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, कि वो एक पीरियड से रिलेटेड है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप स्टॉक वैल्यूएशन में कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, बट कन्वेंशनल फुल या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप लेते हो। तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के अंदर असम्पशन कौन सा है? कन्वेंशनल फुल और एब्जॉर्प्शन। बट फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया हो कि कंपनी फॉलोज मार्जिनल कॉस्टिंग, कंपनी फॉलोज रेलिवेंट कॉस्टिंग, कंपनी फॉलोज वेरिएबल कॉस्टिंग, तो ये चार्ट के अंदर आपकी मेहनत कम हो जाएगी। कैसे? लेट्स सी दैट। तो सबसे पहला चेंज तो यहां पर आएगा कि ये जो वेरियंस है इसमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट की जगह, ये जो वेरियंस में आपको क्या दिख रहा है वर्ड, स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिख रहा है, ये वेरियंस चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा है? कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन इनटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये वेरियंस चेंज हो गया, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो अब है क्या, कि पूरे फिक्स ओवरहेड वेरियंस में सिर्फ एक ही वेरियंस आएगा, वो है एक्सपेंडिचर वेरियंस।
कोई कॉस्ट वेरियंस नहीं, वॉल्यूम नहीं, आइडल टाइम, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कुछ नहीं, सिर्फ एक वेरियंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरियंस, व्हिच इज दैट वेरियंस? एक्सपेंडिचर, यानी आपका काम कम हो जाएगा, आपको लोड घट जाएगा। कैसे लोड घटेगा पता चला? फिक्स ओवरहेड में आपको ना रिकवरी रेट्स निकालने हैं, ना रिकवर्ड ओवरहेड निकालने हैं, और ना ही ये इतने सारे वेरिएंस निकालने, सिर्फ एक ही वेरिएंस निकालना है। कौन सा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कौन सी? ये वाले, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, वो यहां पे लगा देंगे, खत्म। यानी आप प्रे करो गॉड से कि आपके एग्जाम में मार्जिनल कॉस्टिंग पूछे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ क्लब करके पूछेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लोड कम हो जाएगा। सर बाकी फॉर्मूला सब सेम रहेगी? यस, ये चेंज होगा तो यहाँ पे भी सब प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपको, इतना बड़ा वो था फिक्स ओवरहेड, उसमें 30 सेकंड्स में आंसर, एक ही वेरिएंस ओवरहेड एक्सपेंडिचर पे, दैट्स इट। तो उसमें आ रहा है आपको, तो ये आपका प्रॉफिट आपको लग रहा होगा कि हाँ फाइनली हमने जो चैप्टर पढ़ा वो क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, कि पहले एक ब्रांच फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी और फिर धीरे धीरे पूरा ट्री बनके तैयार हो। अब पहले आप इसको कॉपी करो, फिर अपने सम प्रैक्टिस करो।